नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो सबके मन में होता है लेकिन कोई पूछता नहीं है कि पापा क्यों मारते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी पूछता है उसके पापा उसे बहुत मारते हैं। दोस्तों, भारत में पापा कई प्रकार के होने लग रहे हैं, छोटे पापा, बड़े पापा, अपने पापा और सबके पापा, और ये सभी पापा अपने बच्चों की गांठ रख के तोड़ने लग रहे हैं दोस्तों। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश करने लग रही है जिसके मुताबिक कुछ बाप अपने बच्चों का आईआईटी क्रैक ना होने पे क्रैक होने लग रहे हैं, वहीं कुछ बाप तो सिर्फ पीयर प्रेशर में ही उन्हें मारने लग रहे हैं, लेकिन कुछ बाप सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर भी अपने बच्चों की गांठ तोड़ने लग रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कुछ बाप दिन में दो बार मारने लग रहे हैं, तो यहाँ पे पहला बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सुबह सुबह मार ही लिया है तो रात में मार के सोने का क्या मतलब है। ये तो लोकतंत्र का गणतंत्र बनाने वाली बात हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है दोस्तों कि अपना बाप तो मारने लग ही रहा है, गर्लफ्रेंड का बाप भी गैरेज में ले जाके कुछ देने लग रहा है। अब यहाँ पे दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होने लग रहा है दोस्तों कि 10th तक तो बच्चों का पिटना सेंस बनाने लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनका पिटते रहना क्या जस्टिफाइड लगने लग रहा है दोस्तों? ऐसा मैं नहीं कह रहा, कुछ रोते हुए एक्सपर्ट्स कहने लग रहे हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इतिहास में बाप का कहर शुरू कहाँ से हुआ, हिस्ट्री का पहला बाप कौन था जिसने अपने बच्चे को मारा था, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर मेरे इंटर्न राइटर की माने तो सबसे पहले ये कांड मिस्र की सभ्यता में ईसा पूर्व 2552 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, हुआ ये था कि क्लियोपाट्रा के राज में आज से 4,500 साल पहले एक प्राचीन मम्मी के दो बेटे हुए, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। ऐसे में मझले बेटे ने यह फैसला किया दोस्तों कि वो भी बड़ा होके मम्मी ही बनेगा। ये बात जब पापा को पता चली तो वो अपना आपा खो बैठे और हो गया सियापा। दोस्तों, इतिहासकार कोमल नहाता के अनुसार मिस्र के प्राचीनतम औजारों से बाप ने बच्ची की गेंद गर्म की, लेकिन जब बच्चा ये मामला लेके कोर्ट में पहुंचा तो जज ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और उसे मृत्युदंड दे दिया। दोस्तों, फिल्म सिंग इज किंग में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ जिस पिरामिड के आगे जाके तेरी ओर गाने लग रहे हैं, उसके पीछे की ओर वो बच्चा दफन होने लग रहा है दोस्तों। दोस्तों, ये तो बात हो गई इतिहास की, अब बात करते हैं इसके रूट कॉज की, कैसे क्या रीजंस है जिससे बाप के दिमाग गर्म होने लग रहे हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो बच्चा बचपन में बाप को प्यारा लगने लग रहा होता है वही 16 साल का आते आते उसको आवारा लगने लग रहा होता है? दोस्तों, यहाँ पे इसके दो रीजंस हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, पहला रीजन है बच्चे का बाप से जबान लड़ाना। कई बार तो बच्चा जबान लड़ा भी नहीं रहा होता है, लेकिन टीनेज में पुबर्टी की वजह से उसकी आवाज़ मोटी होने लग रही होती है, जिसकी वजह से बाप को ये आवाज़ खटकने लग रही होती है, क्योंकि कोई भी बाप चाहता है कि उसकी आवाज़ घर में सबसे मोटी रहे, इसलिए मैं पतली आवाज़ में बोलने लग रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे एक दूसरा रीजन भी है दोस्तों। दिल्ली की रोहिणी में एक रैकेट पकड़ा गया था, जो पुलिस की छानबीन में पता चला कि ये रैकेट मम्मी ने पापा को इसलिए दिया था ताकि बच्चे का बाजा बज सके। तो दूसरा रीजन है हमारी मम्मियाँ, जो हमें संस्कार देने के नाम पे हमारा अंतिम संस्कार करने लग रही हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बच्चे करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या दोस्तों? कुछ बच्चे तो अपने बाप को तारे जमीन पे भी दिखाने लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी बाप उनका तारा बनाने लग रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि बाप को पलट के मारे या ना मारे? दोस्तों, अभी हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई है। स्विट्जरलैंड के जर्मनी में 13 साल के माइकल ने मार मार के अपने बाप का साइकिल बना दिया। इसके पीछे जर्मनी की इकोनॉमी का बड़ा हाथ माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत ही कम उम्र में अपने पैरों पे खड़े होने लग रहे होते हैं और बाप के पैर तोड़ने लग रहे होते हैं। लेकिन क्या भारत में ये संभव है दोस्तों? नहीं, आइए जानते क्यों। दोस्तों, इंडिया में बच्चे अपने बाप को क्यों नहीं मार पा रहे, इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो है प्रेजेंट गवर्नमेंट की नाकामयाबी। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट गवर्नमेंट की नाकामयाबी की वजह से जॉब्स जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे बच्चे अपने बाप से ही पैसे मांगने लग रहे हैं। जब बच्चे अपने बाप के पैसों पे पलेंगे तो कैसे अपने बाप को पे लेंगे? दोस्तों, ये तो बात हो गई फाइनेंशियल रीजन की, अब बात करते हैं साइंटिफिक रीजन की कि क्यों भारत में बच्चे बाप को नहीं मार पा रहे हैं। दोस्तों, नासा पीटे की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा अगर भारत में बाप को मारेगा तो उसके सर पे पाप चढ़ने लग रहा है और ऊपर वाला भी बालकनी से सब कुछ नोटिस करने लग रहा है दोस्तों।
और अब बात करते हैं भूगोल की कि भारत में पिटाई किस आधार पर हो रही है। दोस्तों अब यहाँ पे अगर यूनाइटेड चिल्ड्रन बैंक की रिपोर्ट की माने तो सबसे ज़्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश में पिटने लग रहे हैं, यहाँ पे ये आंकड़ा 70% होने लग रहा है। वहीं बिहार में जाएं तो ये आंकड़ा बढ़ के 90% तक होने लग रहा है दोस्तों। लेकिन हरियाणा में ये सबसे ऊपर है 110%, क्योंकि वहाँ पर बाप कोख में भी बच्चे को मारने लग रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आपको यहाँ पे ये जान के बहुत हैरानी होगी कि अलग अलग मौसम में बाप अलग अलग परसेंटेज में पिटाई करने लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा पिटाई गर्मी के मौसम में होने लग रही है, वहीं ठंड के मौसम में सबसे कम पिटाई होने लग रही है दोस्तों, क्योंकि बाप रजाई से निकलने ही नहीं लग रहे होते। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि ठंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा अय्याशी कर लें, लेकिन ध्यान से, क्योंकि अगर ठंड में पिटाई होती है तो निशान जाता नहीं है दोस्तों। दोस्तों मार्केट में कुछ अफवाहें भी उड़ने लग रही हैं जिसमें कुछ बाप अपने बच्चे को प्यार भी करने लग रहे हैं, लेकिन आल्ट बालाजी न्यूज़ ने इस पूरे मामले को फेक बताया। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले में मेरा क्या टेक होने लग रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले में मैं अपने बाप के सामने घुटने टेकने लग रहा हूँ दोस्तों अब यहाँ पे जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा। बात यह है कि पिछली वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई थी जिसकी माफ़ी मैंने वहीं मांग ली थी, लेकिन अभी तक आपने मुझे माफ़ी नहीं दी है, तो प्लीज़ माफ़ी दे दीजिए, नहीं तो मैं नस काट के मर जाऊंगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 5 लाख की तरफ ले जाते हैं, बहुत देर से रुका हुआ है। शेयर कर दो इस वीडियो को, लाइक करो और कमेंट भेजो। बात करते हैं, बाय।